अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टार एवीज। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीप। आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम सीप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सीप की वजूहात क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको किस तरह से अपने बर्ड को आप रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि जो मौसम चल रहा है फिलहाल 90% जो लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं वो सीप है। यानी कि हर बंदा यही बात करता है कि यार मेरे बर्ड्स को सीप हो रही है, इसकी वजह क्या है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि सीप है क्या चीज़। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इंशाल्लाह आप तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको इससे फ़ायदा हो। सीप कोई बीमारी नहीं है, सीप जो है सिर्फ एक सिचुएशन है। किसी भी बर्ड को किसी भी वजह से अगर सीप हो जाती है तो वो एक बीमारी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो सीप से रिकवर हो सकता है बर्ड। सबसे पहले अगर आप अपने बर्ड को देखते हैं कि वो नीचे ग्राउंड पर आकर बैठ चुका है, सबसे नीचे आके बैठ गया, किसी स्टिक पर नहीं बैठा हुआ, तो आप अपने बर्ड को पकड़ें और उसकी वेंट देखें। अगर उसकी वेंट जो है उसके ऊपर आपको उसको आपको फील हो रहा है कि उसको मोशन वगैरह है या उसका पेट ख़राब है या इस तरह का कोई इशू है तो आपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। 90% लोगों को देखने में यही आता है कि उनके बर्ड्स को मोशन वगैरह होते हैं जिसकी वजह से बर्ड सीप में चला जाता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर बर्ड आपस में फाइट करते हैं तो इस वजह से भी बर्ड सीप में चला जाता है, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में जब जाता है तो खाना पीना छोड़ देता है और जब खाना पीना बर्ड छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली बर्ड वीक हो जाएगा और बर्ड सीप में चला जाएगा। सीप एक्चुअली होता यह है कि बर्ड की जो चेस्ट पर जो बोन है वो प्रोमिनेंट हो जाती है और बर्ड का वेट जो है लूज़ हो जाता है। इसे कहते हैं कि ये हमारा बर्ड सीप में चला गया और इसने अपना वेट जो है वो लूज़ कर लिया है। अगर आपके बर्ड का जो पेट है वो ख़राब है और उसको मोशन वगैरह लगे हुए हैं और बर्ड सीप में चला गया है तो आपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। उस बर्ड को आप सेपरेट कर लें और उसको सबसे पहले आपने जो चीज़ यूज़ करवानी है वो है स्पार्क। स्पार्क के बारे में पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। स्पार्क के बारे में बताता चलूं कि स्पार्क बर्ड को एनर्जी देगा और स्पार्क जो है वर्ल्ड बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, बर्ड की नमकियात की जो कमी है उसको पूरा करेगा और इसके यूज़ करवाने के बाद आप जो है वो कोई भी मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। फर्स्ट डे आपने स्पार्क यूज़ करनी है। अगर आप एक बर्ड को यूज़ करवाना चाहते हैं तो 4 to 5 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं उसके पानी वाले बर्तन के अंदर, और अगर आप 1 लीटर पानी बनाना चाहते हैं तो आप 7 to 10 ml या 5 ml to 10 ml आप यूज़ कर सकते हैं। आइडियली जो वीटाफार्म कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है वो है 20 ml in 1 liter, लेकिन आप एक्सपेंसिव होने की वजह से या आप 5 to 7 ml या मैक्सिमम 10 ml आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डे यूज़ करने के बाद आपने जो चीज़ यूज़ करनी है वो है फ्लैजल। फ्लैजल के बारे में अक्सर लोग जानते होंगे कि अगर पेट वगैरह ख़राब हो जाए या मोशन वगैरह लग जाए तो फ्लैजल यूज़ की जाती है। फ्लैजल जो है वो बर्ड का पेट ठीक कर देगी और इससे जो है बर्ड का मतलब जो फर्स्ट जो उसको इशू है, जो उसका पेट ख़राब है, जो उसके मोशन वगैरह हैं वो ठीक हो जाएंगे और इससे जो है बर्ड जो है ना उसकी पहली जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले इसको यूज़ करवाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डे आपने स्पार्क यूज़ करनी है, सेकंड डे आपने जो है फ्लैजल यूज़ करनी है। ये भी इसी तरह से 4 to 5 ड्रॉप्स इन आप 1 pot यूज़ कर सकते हैं। अगेन थर्ड डे आपने स्पार्क यूज़ करनी है और फोर्थ डे आपने फ्लैजल यूज़ करनी है। ये 4 दिन का कोर्स करने से आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि आपका बर्ड जो है वो रिकवर होना शुरू हो चुका है और उसकी वेंट जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी मोशन वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे और उसकी वेंट जो है बर्ड की साफ़ हो चुकी होगी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बर्ड जो है आपका रिकवर होना शुरू हो गया है। अब सेकेंडली जो मेन चीज़ है उसकी तरफ आते हैं वो ये है कि अब आप चाहते हैं कि आपका बर्ड अगेन अपना वेट गेन करे और जो उसकी सीप वगैरह या उसकी जो हड्डी जो उसकी प्रोमिनेंट हो चुकी है वो ख़त्म हो जाए और बर्ड दोबारा से एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए आपने सीप का जो है ना इलाज शुरू करना है। उस सीप से रिकवर करने के लिए आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बर्ड सीप की वजह से रिकवर हुए हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। हर बीमारी में आप लोगों को सबसे पहले मैं चीज़ बताता हूँ कि स्पार्क यूज़ करें, तो अगेन वो 4 day कोर्स के बाद अगेन जो आप कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें आपने स्पार्क यूज़ करनी है। स्पार्क इसी तरह से 4 drops in 1 pot आपने पहले दिन इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो है लाइजोविट सीरप। लाइजोविट सीरप जो है वो विटामिन बी और सी का कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से बर्ड जो है अपना वेट गेन करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरप है
जिससे बर्ड जो है वो अपना वेट गेन करना शुरू कर देता है। और काफ़ी सारे लोगों से ये सुनने में आया है कि उनके पास भी लाइजोविट से लेकर बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो इसीलिए आपको एक लाइजोविट सिरप भी लेना होगा जो आपने सेकेंड डे यूज़ करना है। ये भी इसी तरह से आप 4 to 5 ड्रॉप्स इन 1 पोट यूज़ कर सकती हैं। सेकेंड डे ये यूज़ करने के बाद आपने यूज़ करना है जेटी पार सिरप। ये 250 रुपीज़ का है। ये भी ह्यूमन मेडिसिन है, मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगी। आपने इसके भी 4 ड्रॉप्स थर्ड डे यूज़ करने हैं। थर्ड डे यूज़ करने के बाद आप लोगों ने 4 डे अगेन जो है वो स्पार्क यूज़ करनी है। स्पार्क अगेन आप 4 ड्रॉप्स इन 1 पॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 4 डे की बात करूँ, पहले दिन स्पार्क यूज़ की, दूसरे दिन लाइजोविट यूज़ किया, तीसरे दिन जेटी पार, फोर्थ डे अगेन आपने स्पार्क यूज़ करनी है। स्पार्क क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि अब जो हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि बर्ड को अगर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो तो उससे बर्ड जो है वो रिकवर हो सके। तो इसके लिए एंटीबायोटिक जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक है वो वीटाफार्म की है, CCC, ये आपने यूज़ करनी है। मतलब ये भी एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक आपने यूज़ करनी है 5th डे। इससे पहले स्पार्क इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि अगर बर्ड बीमार हो, अक्सर देखने में आता है कि ट्रीटमेंट के दौरान ही बर्ड मर जाता है। अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि यार एंटीबायोटिक यूज़ करो तो वो डायरेक्ट यूज़ करता है, और जिससे बर्ड मर जाता है और कहता है यार वो ट्रीटमेंट के दौरान ही बर्ड मर गया। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या एंटीबायोटिक देने से पहले आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज़ करें। वन ऑफ द बेस्ट तो स्पार्क है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आपको अगर आपके पास मौजूद है उसके अलावा तो आप वो भी यूज़ करके देन आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, वरना आपने एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी। स्पार्क यूज़ करने के बाद आपने फिर अगेन एंटीबायोटिक यूज़ की। अगर आपको ये एंटीबायोटिक नहीं मिल रही क्योंकि ये अक्सर जो है वो शॉर्ट रहती है, तो आप इसकी जगह जो है वो टाइलोडॉक्स यूज़ कर सकती हैं। टाइलोडॉक्स साइमंस कंपनी की जो है वो एंटीबायोटिक है और इसकी प्राइस उसके मुकाबले में 4 टाइम्स कम है। तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा और आप ये यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पर। तो ये यूज़ करने के बाद अब आपने देखना है कि आपका बर्ड रिकवरी की तरफ जा रहा है या नहीं। अगर आपका बर्ड रिकवरी की तरफ जा रहा है तो उसके बाद आपने अगेन ये वाला पूरा कोर्स जो इन मेडिसिंस का मैंने बताया है आपने अगेन वही कोर्स करना है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने वीडियो स्किप की है तो सबसे पहले स्पार्क यूज़ करना है, उसके बाद आपने लाइजोविट यूज़ करना है, उसके बाद आपने जेटीपार यूज़ करना है, और अगेन स्पार्क यूज़ करने के बाद आपने कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। ये आप 2 टाइम्स जब ये कोर्स करवा लेंगे और आपको फील होगा कि आपका बर्ड रिकवर हो रहा है तो आपने इस कोर्स को स्टॉप कर देना है, और सिर्फ आपने लाइजोविट सिरप और स्पार्क, एक दिन लाइजोविट सिरप और एक दिन स्पार्क, आप इस तरह करके ये तकरीबन आप 1 मंथ आप ये कोर्स को जारी रखें, एक दिन लाइजोविट सिरप और एक दिन स्पार्क। इससे बर्ड आपका जो है वो गेन करना शुरू कर देगा, अगेन अपने वेट में वापस आना शुरू कर देगा, और बर्ड जो है दोबारा सीप से भी रिकवर हो चुका होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग परेशान थे कि यार सीप जो है हमारे बर्ड में देखने को आ रही है, हर बर्ड सीप का शिकार हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। ये चंद एक मेडिसन्स हैं, आप लाजमी तौर पर इस मौसम में अपने पास रखें ताकि किसी भी बर्ड को अगर कोई इशू बनता है तो आप ये सब मेडिसन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक आखिर में पॉइंट डिस्कस करता चलूं कि जो सीप है इस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है, हर बर्ड को हर एक के शेड में बर्ड सीप में जा रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि इस मौसम में हम देखते हैं कि बर्ड का जो पानी है वो जल्दी गंदा हो जाता है, या फिर हम सॉफ्ट फूड डेली यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप सॉफ्ट फूड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, गंदम वगैरह, पालक वगैरह, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एवरी सेकेंड डे या वीक में एक दफ़ा या मैक्सिमम 2 बार यूज़ करें। इससे आप देखेंगे कि आपके बर्ड के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया या फंगस, ये मीठी चीज़ों को पसंद करता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो बर्ड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और बर्ड के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। आप अपने बर्ड्स के केजेस को साफ रखें, उनकी ट्रेस को डेली साफ करें, और उनके पानी को एक दिन में 2 बार साफ करके फ्रेश वाटर यूज़ करें। अगर आप एक दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो मैक्सिमम आप 24 घंटों बाद एक बार जो है वो पोर्ट साफ करके अगेन पानी यूज़ करें। अगर आप देखते हैं कि दाने में थोड़ा सा भी दाना गीला हो रहा है या उसमें को पानी चला गया, उसे आप धूप में रख के फ्रेश दाना यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पास जो सीप वगैरह का इशू है, ये सारे इश्यूज आपके पास नहीं आएंगे, बर्ड बीमार नहीं होंगे, और गर्मियों के मौसम में भी आप अपनी बर्ड्स की केयर जो है इजीली कर सकेंगे। अगर आपका बर्ड बीमार होगा तो ज़ाहिर है केयर करना फिर मुश्किल हो जाता है, बर्ड्स को टाइम देना और उनका ट्रीटमेंट करना।
उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहती हैं सीप के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, क्योंकि मेरे कुछ बर्ड जो हैं वो रिकवर हुए थे सीप की वजह से, इसी वजह से मैं आपसे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये चंद एक मेडिसिन हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में तो रابطہ कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये तमाम मेडिसिंस अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके डोर स्टेप पे यानी आपके घर तक ये पहुंचा दी जाएंगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी और जिसमें सिर्फ सीप के बारे में डिस्कस किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं मतलब अपने वो बर्ड्स दिखाता हूँ जो सीप की वजह से रिकवर हो चुके हैं, और आप उनको देखकर यकीन नहीं करेंगे कि वो बर्ड्स जो हैं अब सीप से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं लाइजोविट सिरप और स्पार्क ये भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि बर्ड मतलब 1% भी उनमें ऐसा कोई चांस ना हो कि वो अभी भी बर्ड सीप में हो। तो मैं आप लोगों को वो बर्ड्स दिखाता हूँ। जी ये दो बर्ड्स हैं वो जो सीप से रिकवर हो चुके हैं, एक अल्बाइनो स्प्लिट का पीस है यानी अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई का, और दूसरा जो है वो ब्लू फिशर पर्सनाटा मास्किंग में स्प्लिट इनू। ये दो पीस थे जो सीप में चले गए थे, और अब आप इन बर्ड्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बर्ड्स कितनी जल्दी रिकवर हो चुके हैं। मतलब अल्बाइनो को देखकर तो आपको फ़ील ही नहीं होता ना कि ये सीप में गया था बर्ड, मतलब ये अब फुल ओके हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं जेटी पार और जो है स्पार का कोर्स